और पाकिस्तान से जब आप आए थे तो उस वक्त क्या ख्वाब थे कि मैं क्या जाके करूंगा और क्या प्रोसेस होता है भर्ती का, यहाँ सिफारिश चलती है? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो यू हैव टू बी सिटीजन हियर एंड देन यू हैव टू गो टू द पुलिस एकेडमी. आपके प्रमोशन भी होते हैं? जी हां, प्रमोशन वो भी आपकी कारकर्दगी जो है परफॉर्मेंस. सर मेरिट परफॉर्मेंस. कोई सिफारिश नहीं? ये गाड़ी जो है इसके अंदर फ्रंट कैमराज हैं, बैक कैमराज हैं, आई मीन इट्स सराउंडेड फ्रॉम ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ है ना? जी, ऑडियो वीडियो. और भली कोई भाई भी हो पकड़ के अंदर करो अगर क्राइम है. इफ समबडी इज ब्रेकिंग द लॉ सो वी हैव टू डू आवर जॉब. उस वक्त आप किसी के दोस्त नहीं है? नहीं सर. पाकिस्तान से किस शहर से? कराची से. कराची से कब आए थे? छोटे थे? मैं तकरीबन 17-18 साल की उम्र में आया था. तो जब हमने किसी को पुल ओवर करना होता है तो हम ये लाइट ऐसे ऑन कर देते हैं. बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर कम्फर्ट, राइट? सो यू आर गोइंग टू द जेल एंड यू आर गोना बी इन द कन्फाइनमेंट. तो ये देख सकते हैं आप, ग्रिल्स हैं इसकी सारी. ये बहुत सॉलिड किस्म जी. इसके अंदर फिर हमारा कुछ अपना इक्विपमेंट होता है जिसमें फर्स्ट एड किट हो गई आपकी और रेनकोट हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए. खुदा नखास्ता कुछ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो जो है वो ब्लड क्लॉटिंग किट वगैरह सब कुछ है. पुलिस में आप काम कर रहे हैं तो पुलिस में पर्क्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं? पर्क्स नॉर्मल है. जॉब सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, सबसे बड़ी चीज ये है. और आप जब जाते हैं तो आम ही लोग होते हैं, जैसे हमारे पास तो पुलिस वालों की अकड़ बहुत होती है, आप लोगों में बिल्कुल नहीं है. आप देख ले, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा सबके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल एक न्यूट्रल होता है. लग्जरी गाड़ियाँ देख के हम परेशान होते हैं, वहाँ हमारी खटारा मोबाइल होती है. जी, लोधरा की याद आती है, फैमिली वहाँ पे है, दोस्त वहाँ पे है, मुल्तान में भी जो है वो टाइम स्पेंड किया है वहाँ पर भी. अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग में खुश आमदीद. मैं आया था फैज़ान मदीना में और यहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसका व्लॉग तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका की पुलिस कैसी है और हम फिर कंपेयर करेंगे अपने पाकिस्तान की पुलिस, स्पेशली सिंध पुलिस के हाल. आपको पता है पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा करें कि यहाँ पुलिस किस तरह से काम करे. और इतफाक़ की बात यह है कि यहाँ जो पुलिस अफसरान हैं वो दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक कराची से हैं और एक जो है ना लोधरा से हैं. तो दोनों से हम बातचीत भी करेंगे, उनकी गाड़ी भी दिखाएँगे और उनका जो एक स्टाइल है काम करने का वो कितना डिफरेंट है हमारे से. हम तो भाई पत्थर के ज़माने में हैं, पुलिस वाला हमें पकड़ने आता है, हमसे ही पैसे लेके जाता है, तेल नहीं है गाड़ी में. और यहाँ क्या इस तरह से होता है या नहीं, और मैं भी पहली दफ़ा एक डिटेल में आपको वो सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ. तो चलें उनसे जा के मुलाकात करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी भी दिखा दे और कुछ बताना हो तो वो बता दें कि कितने मॉडर्न अंदाज में वो काम कर रहे हैं. तो मेरे साथ चलें. हमारे पास तो खटारा मोबाइलें चलती हैं, यहाँ जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं ना वो भाई लश पश किस्म की गाड़ियाँ हैं. अभी ये गाड़ी देखो आप, कितनी बड़ी लग्जरी किस्म की मस्त किस्म की गाड़ी है जो ये पुलिस वाले यहाँ यूज़ करते हैं. प्रिसेंट 4 के कांस्टेबल की गाड़ी है और इसके साथ वहाँ प्रिसेंट 3 की गाड़ी थी. तो इनकी गाड़ियों को लोग देखते हैं ना तो बस सांस उन्हीं की आधी उसी वहीं बंद हो जाती है जब वो वायलेशन करते. बाकी आप घूमते फिरो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको. पुलिस को यहाँ लोग देखते हैं तो क्या होता है कि एक फील आती है सिक्योरिटी की कि यार यहाँ हमें सिक्योर करेंगे. और हमारे पास जब पुलिस को आप आम बंदा फ़ोन करता है तो सांस उसकी निकलती है कि यार अब फंस जाएंगे. तो ये फ़र्क है पाकिस्तान का और अमेरिका का कि अमेरिका के अंदर पुलिस जो है आप जब क्लियर हो तो आपको सांस और क्या कहते हैं तहफ़ुज़ का एहसास होता है कि यार अब हमारा कुछ ना कुछ होगा. ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, किधर से हो. तो इस तरह की ये बहरहाल सिक्योरिटी पे अफसर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर? जी हाँ, आज यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. माशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म कुरान है यहाँ पर. तो मस्जिद ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ पर कुछ प्रेजेंस मिल जाए ऑफिसर्स की और थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह के लिए. तो हर साल आप जो भी होता है मजहबी जी हाँ मजहबी इज्तिमा वगैरह में हम लोग काफ़ी एक्टिवली इसमें. हमारे पास जैसे कोई मजहबी प्रोग्राम होता है ना तो सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं. आप यहाँ दो ही काफ़ी हैं? दो ही काफ़ी हैं जनाब जी. हाँ यहाँ दो ही काफ़ी और इसके अलावा बाकी हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी होता है और इसके अलावा इतना कोई है नहीं कि थ्रेट का कोई. शुगरलैंड पीसफुल है ना? शुगरलैंड अल्हम्दुलिल्लाह काफी पीसफुल. तो आपको कितना साल हुआ है पुलिस में? पुलिस में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए. 8 साल. कैसी जॉब महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है और इट्स अ सेटिस्फैक्शन कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो एक पीस मिलता है आपको. पीस मिलता है. और वैसे आप बेसिकली पाकिस्तान से किस शहर से? कराची से. कराची से. कब आए थे? छोटे थे? मैं तकरीबन 17-18 साल की उम्र में आया था. अच्छा, वालिदैन के साथ? जी हां वालिदैन. अब यहीं के? जी हाँ, सारे पूरी फैमिली है. पूरी फैमिली यहाँ पर है. पाकिस्तान में कोई ऐसा है नहीं. अच्छा, कि आना जाना नहीं कभी
की करते? मेरा ख्याल है 25 साल में अगर एक दो दफा चला गया तो चला गया। अच्छा। वो भी दो चार दिन खेली है। अच्छा, क्या यहाँ जब आए थे पाकिस्तान 17 साल तो मतलब ऐसा है कि मैच्योर बंदा होता है थोड़ा महसूस होता है, उस वक्त आपने पाकिस्तान जो देखा था या कराची देखा वो कैसा था? अब आपने यही है तो क्या फर्क महसूस होता है? पाकिस्तान में जब लास्ट टाइम गया था तो सबसे बड़ी चीज थी मेरे लिए कल्चरल शॉक, बिल्कुल डिफरेंट था लोग, बिल्कुल उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट था। और उस वक्त आए थे काफी लोग फ्रेंडली होते थे, अब मेरा ख्याल है कि इतने फ्रेंडलीनेस नहीं है वहाँ पे, गुर्बत काफी बढ़ गई और गंदगी वहाँ पे काफी बढ़ गई है। और आपको जैसे पुलिस है यहाँ की माशाल्लाह, मतलब फील होता है सिक्योर यार, अभी मैंने कॉल की किसी ने भी की तो महसूस होता है कि अब मेरा तहफ़ुज़ होगा, तो वहाँ की आपने शिकायतें सुनी होंगी कि पुलिस वहाँ जो वहाँ पे पुलिस के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे अगर कहा जाए तो पुलिस की वहाँ पे टेक केयर नहीं कर रही गवर्नमेंट, उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है ना ही उनको पूरा इक्विपमेंट मिलता है। यहाँ पे हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, आप देख लें कि मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर इक्विपमेंट है, अगर जो मुझे अपनी सेफ्टी और दूसरी आवाम की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें मौजूद है। और पाकिस्तान में सिर्फ लाठी दी जाती है और उसी से काम चल रहा है, और अगर आप देखें बैड गाइस के पास एक से एक मॉडर्न किस्म के वेपन्स होते हैं। तो आपका कभी कोई ऐसा हुआ है टकरा? बहुत हुए, बहुत हुए। और सुबह में हमें देखता हूँ आप अर्ली मॉर्निंग बच्चों को भी प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े होते हैं, बारिश हो, ये एक मोहब्बत होती है हमारी बच्चों के साथ कि वो स्कूल आराम से पहुँच जाए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। हाँ। तो वो जिस स्कूल के जोन में जा रहे हैं हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के पुलिस वाले उनकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अच्छा, आम बंदे के लिए जैसे हम जैसे नए लोग आते हैं या आम विजिटर आता है तो वो अमेरिका में जब आए तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे अवॉइड करें कि पुलिस की पकड़ से बच सकता है? मिसाल के तौर पर पुलिस से डरना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लॉ अबाइडिंग हैं, चाहे आप सिटीजन हैं या नॉन सिटीजन, अगर आप लॉ को फॉलो करें तो आप कभी भी ट्रबल में नहीं आएंगे। ओवर स्पीडिंग हो गया, स्टॉप साइंस हो गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी हमारी सेफ्टी के लिए बना है, आवाम की सेफ्टी के लिए है, इससे हमें टिकट देने से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हम आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर तो ये ख्याल लाजमी करें लोग। बिल्कुल, ना बिल्कुल 100%। और कौन सी ऐसी चीज़ें जैसे अभी नए लोग आते हैं तो वो टेक केयर करें ताकि पुलिस की भी मदद कर सकते हैं? हर किस्म के क्राइम से बच के रहें, सही, हर किस्म के क्राइम से बच के रहें, अपने काम से काम रखें, सबसे ज़्यादा बेहतरीन पॉलिसी यही है। आज अच्छा, आप कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल और पुलिस में यहाँ क्या फ़र्क है? कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन का डिफरेंस होता है, सारे पीस ऑफिसर हैं, टैक्सेस के सर्टिफाइड होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही होता है, अगर वो सिटी का एरिया तो वहाँ पर सिटी म्यूनसिपैलिटी काम करती है, अगर कांस्टेबल है या शेरिफ है तो वो काउंटी के लिए। पुलिस में आप काम कर रहे हैं तो पुलिस में पर्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं? पर्क्स नॉर्मल हैं, जॉब सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब्यूज ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं होता होगा? अब्यूज ऑफ पावर होता है तो फिर उसका उसके हिसाब से पनिशमेंट भी है, punishment जी ऑफिशियल ऑपरेशन कहते हैं उसमें। और यहाँ कोई फील ऐसे होता है कि यार आप मुस्लिम हो गैर मुस्लिम है इस तरह से कोई आपसे कभी? ऑनेस्टली मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइजरी लेवल पर हूँ तो मेरे अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मुझे कभी डिस्क्रिमिनेट किया गया। और आप जब जाते हैं तो आमी लोग होते हैं, जैसे हमारे पास तो पुलिस वालों की अकड़ बहुत होती है, आप लोगों में बिल्कुल नहीं है? आप देख ले, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा तो सबके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल एक न्यूट्रल होता है। लग्जरी गाड़ियाँ देख के हम परेशान होते हैं, वहाँ हमारी खटारा मोबाइल पुलिस में होती हैं और सिर्फ SSP लेवल के लिए वीगो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। वीगो तो आपने बहुत सुना होगा, हमारे पाकिस्तान में आजकल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ आप देखें कितनी ज़बरदस्त हैं। और इनके अंदर भी कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दिखा दें कि भाई ये किस तरह से गाड़ियों में अगर किसी को पकड़ते हैं तो कहाँ बिठाते हैं, क्या रूल्स हैं, तो थोड़ा विजिट करते हैं। थैंक यू। क्या हाल है तारिक भाई? कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। आज अचानक मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। मैं वैसे कोशिश कर रहा था कि यहाँ लोकल पुलिस वालों से भी मिलूं, जी जी, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। वेरी नाइस टू सी यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज आप सिक्योरिटी पे? जी जी, आज हमें ये फैज़ान मदीना में यहाँ पे इनका आज ख़त्म अल कुरान है, तो जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत पड़ी थी हम लोगों की, तो सलमान और मैं दोनों यहाँ पे आ जाएँ। तो सलमान साहब प्रिसेंट 3 और आप प्रिसेंट 4 से? जी जी, मैं फोर्ट बंड काउंटी प्रिसेंट 4 में हूँ और वो प्रिसेंट 3 में। अच्छा, प्रिसेंट क्या होता है, मतलब कितनी आबादी पे होता है ये, पॉपुलेशन क्या होता है? ये डिवाइड करते हैं जी काउंटी को डिफरेंट, जैसे हैरिस काउंटी के अंदर 7 प्रिसेंट्स हैं, आपके फोर्ट बंड काउंटी में 4 प्रिसेंट्स हैं। तो वो जितनी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से वो उसको डिवाइड करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हिसाब से, कुछ एरियाज शेरिफ्स के पास होते हैं, कुछ कांस्टेबल के पास होते हैं, कुछ लोकल PD जिसको हम पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं, सिटी पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास होते तो हैं। तो आपको कितना टाइम हो चुका है इसमें पुलिस में? आई स्टार्टेड इन सर 2019। और क्या प्रोसेस होता है भर्ती का, यहाँ सिफारिश चलती है? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो यू हैव टू बी सिटीजन हियर एंड देन यू हैव टू गो टू द पुलिस अकेडमी, वहाँ पे फुल टाइम अकेडमी जो है इट टेक्स लाइक 8-9 मंथ्स, आप वहाँ जाते हैं, वो आपको वहाँ पे ट्रेन करते हैं,
जो है सारा आपको वहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हैं, दूसरे जो डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, वहाँ से आप उसके बाद लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद फिर आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। मुश्किल होती है ट्रेनिंग बहुत? देखें अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस। आप मेहनत करें, हिम्मत करें और अगर जज्बा है आपके अंदर तो यू कैन डू इट। और पाकिस्तान से जब आप आए थे तो उस वक्त क्या ख्वाब थे कि मैं क्या जाके करूँगा और फिर क्या बन गए पाकिस्तान में? सर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने वहाँ पे CSS का अटैम्प्ट दिया था पाकिस्तान में एंड आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, तो फिर वीज़ा आ गया मेरा 2011 के अंदर, तो फिर पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई थी तो फिर मैं भी यहाँ पे मूव हो गया। तो मुझे शौक शुरू से ही था वहाँ पे कि CSS करके कोई ASP की जो है स्पॉट वहाँ पे लेने का, तो जो अल्लाह को मंजूर था। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो इट टुक मी लाइक 4 years टू गो टू द अकेडमी। अच्छा, तो 2019 में फिर मैं अकेडमी में गया। ड्रीम आपका यहाँ पूरा हुआ पुलिस में जाने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ की, वहाँ होते तो आपको ये वाली गाड़ी मिलती? हाँ जी, वहाँ पे अगर CSS कर जाते, ASP करते तो आई गेस वो टोयोटा की, उनके पास लैंड क्रूजर हैं वहाँ पे, तो वो ASP एंड DSP वगैरह वहाँ पे मिलती हैं पंजाब में। तो ये मुल्क ऐसा है ना कि जो ख्वाब देखो पूरा होता है। बिल्कुल जी, दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे अगर मेहनत करते हैं, आपको राइट डायरेक्शन मिलती है तो यू कैन डू इट। और अब आप इस ये बताएंगे कोई जैसे पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती है, हमारे पास तो बंदा सोया हुआ है, FIR कट जाती है, तो आप पे भी ये रवायत है कि बंदा? नहीं सर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू नो ओवर हियर इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे पास बॉडी कैमराज हैं, ये गाड़ी जो है इसके अंदर फ्रंट कैमराज हैं, बैक कैमराज हैं, आई मीन इट्स सराउंडेड फ्रॉम ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ है ना? जी, ऑडियो वीडियो। और भली कोई भाई भी हो पकड़ के अंदर करो अगर क्राइम नहीं, इफ समबडी इज ब्रेकिंग द लॉ सो वी हैव टू डू आवर जॉब। उस वक्त आप किसी के दोस्त नहीं है? नहीं सर। उस वक्त आप सिर्फ कानून के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप ये बताएं कि मुल्तान की याद आती है लैया की, ओ सॉरी कौन सा वो? लोधरा। लोधरा से ये अपने लोधरा की याद आती है? बिल्कुल आती है जी, लोधरा की याद आती है, तो फैमिली वहाँ पे है, दोस्त वहाँ पे है, मुल्तान में भी जो है वो टाइम स्पेंड किया है, वहाँ पर भी इन कॉन्टेक्ट हैं, दोस्त वगैरह कॉल करते हैं, बात करते हैं, हम भी कॉल करते हैं, बात करते हैं, कुछ फ्रेंड्स आए हैं विजिट भी कर गए हैं, मैं भी अभी लास्ट ईयर गया था विजिट करके आया था। अगर हमारे वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ होती, हम लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे ये मिलती तो किसी को ज़रूरत नहीं है अपनी ज़मीन को छोड़ने की, अपने वतन को छोड़ने की। हकीकत है बिल्कुल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में फंक्शंस, भाई की भी गाड़ी है लेकिन ये वाली गाड़ी भी अभी मिल गई है, तो देखेंगे थोड़ा सा विजिट, थोड़ा सा गाइड करें क्योंकि हमारे पुलिस वाले बेचारे देखें जी, जी उनको जी। तो तेल भी जो हमसे लेना पड़ता है जी। यहाँ से शुरू करते हैं जी, इसको हम बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो ये स्पॉटलाइट ऐसे टर्न ऑन होती है, आप रात के टाइम पे अगर पेट्रोल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे व्यू कर सकते हैं इसको, के मतलब इसकी काफी रेंज होती है। अच्छा, तो आप स्पॉटलाइट से जो है वो खासतौर पे डार्क एरियाज में जो है वो आप लाइट अप कर सकते हैं चीजों को। और आप किसी को अगर ये जब लाइट ऑन होती है तो समझो रोक रहे हैं? नहीं सर, वो पुल ओवर करने के लिए आप अगर रूफ पे दिखाएंगे तो ये लाइट्स जो है वो ऊपर, आपको मैं अभी बंद कर देता हूँ फिर चला के दिखाता हूँ। तो अब ये ऑफ हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक लाइट्स होती हैं। जी जी। तो जब हमने किसी को पुल ओवर करना होता है तो हम ये लाइट्स ऐसे ऑन कर देते हैं। सही। अब जैसे ही हमने लाइट्स ऑन की हैं तो आपके कैमराज ऑटोमेटिकली, माय बॉडी कैम एंड द फ्रंट कैमराज ऑलरेडी वर्किंग राइट नाउ। तो अब आपने जब ट्रैफिक स्टॉप करनी है तो अब आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इस गाड़ी के अंदर। तो हम यहाँ से, आप अगर क्लोजअप करेंगे तो यहाँ से आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसकी, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये सायरन्स है यहाँ पे, तो आप ये यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा स्पीड रेडार है। स्पीड रेडार का ये होता है कि आप ये देख रहे हैं आप डिवाइस यहाँ जी, जी जी जी, तो जैसे ही कोई भी चीज़ मूव करेगी ये आपको यहाँ पे रीडिंग देगा इसकी। सही। तो फॉर एग्जांपल स्पीड लिमिट 35 की है तो आपका रेडार यहाँ पे क्लॉक करेगा उसको 45 पे, तो वो स्पीडिंग कर रहा है। अच्छा, सो दैट मींस के यू कैन पुल हिम ओवर, राइट। और एक रेडार हमारा बैक पर भी है तो हम उसको इस रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं। जैसे ये देखें आप, ये फ्रंट हो गया, आप रेयर हो गया। अच्छा, मतलब रियल वाला ये ना समझे कि मुझे आगे वाला ही सिर्फ पुल करेगा, आप पीछे वाले को पकड़ सकते हैं। जी 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 जी, पीछे से कोई अगर आ रहा है तो आप ग्रीन देख रहे होंगे, तो ये रियर हो गया और ये आपका फ्रंट हो गया। सही। तो आप दोनों रेडार से आप क्लॉक कर सकते हैं किसी भी चीज की स्पीड को। और कितने पे माफी है, मतलब 35 की सर जो लॉ है, जो लॉ है वो है 10% एंड ग्रेटर। तो 10% एंड ग्रेटर का मतलब ये है कि अगर स्पीड लिमिट 30 है तो उसका 10% होगा 33,
सो अगर 34 पे कोई जा रहा है 30 की स्पीड लिमिट है तो बाय लॉ वी कैन पुल हिम ओवर बिकॉज़ ही इज ब्रेकिंग द लॉ. सही सही. और वरना अगर उसी 30 में है तो कोई मसला नहीं जी. अगर वो 33 कर रहे हैं 34 तक भी 35 तक भी जा रहे हैं वो ग्रेस है आप दे. इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि अगर स्कूल जोन है अगर ट्रैफिक ज्यादा है जो है वो उसके बाद आप जो है रिस्क दे रहे हैं दूसरे लोगों को. सही सही. अच्छा और क्या है इसमें माशाल्लाह ये तो सारे फंक्शन सिर्फ आपके लिए मॉडिफाई इन्होंने किए जी. ये रेडियो है सर इसका. यहाँ से आप इसको जो है वो रेडियो को जो है वो एक रेडियो हमारा पोर्टेबल होता है ये वाला. जी जी. ये इसका माइक है और यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं इस रेडियो को. तो जब आप गाड़ी से बाहर आएंगे तो आप उसके बाद यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं. और ये एक रेडियो हमारा गाड़ी के अंदर होता है. यहाँ से जो है वो आप जो है अपना चैनल्स को चेंज करते हैं. आप डिस्पैच से बात कर सकते हैं. ये जो है ये फ्रंट कैमरा है आपका. सही. उसके बाद जो ये है लैपटॉप भी आपका इस गाड़ी में जी किया हुआ है. जी जी जी. इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं. इसको आप ऐसे सारा और इसको एडजस्ट कर सकते हैं. ये फिर हमारा माइक होता है गाड़ी के साथ जो है वो आपने जब कम्युनिकेट करना होता है इसके साथ. बाहर हमें आके थोड़ा सा दिखा दें जी. क्योंकि आज जो है ना हम टेक्सास पुलिस के जो गाड़ी है लग्जरी वो दिखाते हैं और इसके साथ अफसरान जी जी जो है. अच्छा जब पकड़ते हैं किसी को तो फिर वो भाई साहब पीछे बैठेंगे या जी जी. जब जो है वो कोई डिटेन हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है तो उसके लिए ये सीट्स है ना बैक सीट्स है हमारी. ये देखे भाई सिर्फ प्लास्टिक ही है. इसमें वो आपने लग्जरी टाइप का नहीं रखा है. नहीं सर ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बिकॉज़ दिस इज नॉट फॉर कंफर्ट राइट. सो यू आर गोइंग टू द जेल एंड यू आर गोना बी इन द कन्फाइनमेंट. तो ये देख सकते हैं आप ग्रिल्स हैं इसकी सारी. ये बहुत सॉलिड किस्म जी, जी. और ये बुलेट प्रूफ होती हैं गाड़ियां मोस्टली. कुछ गाड़ियां होती हैं कुछ गाड़ियां नहीं होती. वो डिपेंड करता है कि आप जो है किस एजेंसी के अंदर हैं और क्या है उसका किस एरिया में भी हैं. जी 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 जी. और यहाँ पे ये सारा ग्लास है आपका. यहाँ से कोई कम्युनिकेशन जो है ये देखेंगे आपका कैमरा लगा हुआ है. जी 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 जी. तो यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व लाइक व्हाट द गाइस डू ऑन द बैक क्योंकि आपने वीडियोस देखी होंगी. हां मैंने देखा. वो हरकतें कुछ करते हैं तो सही. तो इसमें जब आप बैठा हो तो समझो बंदा गया. बाकी आगे है आराम से बात. जी जी जी. फ्रंट पे है, राइट पे ले सकते हैं अगर आप राइट देनी है. सिटीजन भी राइट लेते हैं अगर उन्होंने राइट लेनी होती है तो. अच्छा जी जी. ये है जी ये हमारा ट्रंक है जी. ये रेडार कुछ ट्रैफिक को जी ये बैक रेडार है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था आपके साथ. तो ये बैक रेडार जो है रेयर रेडार जो है ये आपसे जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसको डिटेक्ट कर सकता है. सही. और जी इसके अंदर फिर हमारा कुछ अपना इक्विपमेंट होता है जिसमें फर्स्ट एड किट हो गई आपकी और रेनकोट्स हो गए ग्लव्स हो गए सैनिटाइजर्स हो गए मास्क हो गए. खुदा न खास्ता कुछ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो जो है वो ब्लड क्लॉटिंग किट वगैरह सब कुछ है. तो ये कुछ हमारा एवरीडे का जो सामान है इसके अंदर हम रख लेते हैं. मतलब इनिशियली अगर किसी को मेडिकल की इमरजेंसी हो तब भी आप उसको फौरन सपोर्ट करते हैं. जी बेसिकली हाँ जी. जब तक ईएमएस जिसको इमरजेंसी में मेडिकल जाती है तब उससे पहले हमें जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करने का या सीपीआर का जो है वो अगर देना पड़ता है तो हम लोग जो है उसके अंदर भी दे सकते हैं उसमें. बहुत जबरदस्त. मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप इस गाड़ी में बैठते हो वर्दी पहनते हो तो आप बिल्कुल और कोई ऐसे होता है बिहेवियर भी लोगों का कभी कभी इंस्टिगेट करता है आपको या उसको आपको ख़त्म करना होता है जब तक वो कानून नहीं तोड़े. चांडिया साहब बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है डी एस्केलेशन की. डी एस्केलेशन का मतलब यह है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद यू यू हैव टू गो फॉर द डी एस्केलेशन फर्स्ट. आप अपनी पूरी कोशिश करें कि किसी तरीके से उसको काम डाउन करें और जो है वो उसको बताएं कि हे मैन यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग और व्हाटएवर. अगर कुछ चीज़ें फिर उसके कंट्रोल में आपके नहीं होती फिर उसके बाद यूज़ ऑफ फोर्स आती है. अब यूज़ ऑफ फोर्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. अब एक तो यूज़ ऑफ फोर्स हम दोनों जैसे खड़े हुए हैं ये यूनिफॉर्म के अंदर हैं दैट्स ऑलरेडी अ यूज़ ऑफ फोर्स. राइट. फिर गाड़ी है ये भी यूज़ ऑफ फोर्स है. फिर आपके हाथ आ जाते हैं. फिर हाथ के बाद जो है वो फिर आपका जो है वो टेज़र आ जाता है. ये क्या काम करता है जी. ये इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिफाइड नोड्स होते हैं जिससे जो है वो एक करंट लगता है जिससे आप 5 सेकंड का एक साइकिल होता है. तो उसके बाद ये है कि आप उसको फौरन डिटेन कर सकते हैं. आप हैंडकफ अपने ले लें और उसके बाद जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. कैमरा आपका कितनी घंटे तक रिकॉर्डिंग करता है. कैमरा चांडिया साहब 7 to 8 hours जिसकी है. अच्छा जी. बहुत लंबी लाइफ बैटरी. हाँ जी. फिर जैसे यूज़ ऑफ फोर्स का जिक्र किया जो है उसके बाद फिर ये है. उसके बाद खुदा ना खास्ता फिर आपके पास गन है. इसके अलावा फिर राइफल्स भी हैं सलमान भाई के पास हमारे पास. तो सलमान भाई आप यहाँ के वो हैं सुपरवाइजर और आप आपके प्रमोशंस भी होते हैं. जी हाँ प्रमोशन वो भी आपकी कारकर जो है परफॉर्मेंस सारा मेरिट परफॉर्मेंस होता है. गुड. कोई सिफारिश नहीं.
और हमारे पास मतलब मैं अपने मुल्क की जो है ना वो बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक सिस्टम है जिसको ठीक होना चाहिए था। हम 1947 से वेट कर रहे हैं हमारा मुल्क एक ट्रैक पे आ जाए। वहाँ भाई भत्ता कल्चर है, थाना कल्चर है, मंथली कल्चर है, फिर एक और कल्चर है कि आप अभी तो हमारे पास बहुत सीरियस क्राइम हो रहा है, 80s वाला जो है ना टाइम सिंध में वापस आ गया, डाकू अगवा कर रहे हैं लोगों को, शाहराहें बंद हैं, पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। तो कहने का मकसद है उस मुल्क में भी हम ये कर सकते हैं ना, जिस ये भी इंसानों ने बनाया है ना सारा सिस्टम। बिल्कुल, आप भी पाकिस्तानी हो बेसिकली, आपका खून वहीं का है, लेकिन आप समझते हो कि पाकिस्तान में ये पॉसिबल है, लेकिन होने नहीं दिया जा रहा शायद। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना सर, अकाउंटेबिलिटी होगी, मेरिट पे काम होगा, फिर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। आप सिंध में और पंजाब में कितनी आप जो है वो उनको पे कर रहे हैं? वही है 40,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़। अब आप मुझे बताएं 40,000 और 50,000 में वो कैसे अपना मामला चलाएगा? और आपको जैसे ही आपने पास किया गाड़ी आपके पास आ जाएगी, और जो गाड़ी ड्राइव करने के भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती जी है जी ना? वो पूरे ड्राइविंग स्किल्स होते हैं जी, टेक्टिकल ड्राइविंग स्किल्स होते हैं, उसके अंदर आपने डिफरेंट जो है वो लेसन होते हैं उसमें बताते हैं कि आपने जो है वो नॉर्मल कॉल पर कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, आपने फिर इमरजेंसी कॉल पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आपने कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, तो पूरी वो ट्रेनिंग होती है उसकी। गाड़ी को अगर आप ऊपर से दिखा सकें तो इस गाड़ी के ऊपर एक इसका गाड़ी का ये जैसे A074 आप देख रहे हैं यूनिट आईडी है, इसकी छत पे यूनिट आईडी होगा। अच्छा, तो जो हेलीकॉप्टर आपका होगा तो वो जब हमें हमारे साथ कॉन्टेक्ट में होगा तो ही कैन कम्युनिकेट विद अस, हे A074 आई एम टॉकिंग टू यू राइट। अच्छा। तो गाड़ी की छत पे जो है वो पूरा बड़ा सारा A074 लिखा हुआ है, आप यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, दिखा हाँ जी। देते हैं। तो यहाँ गाड़ी के पूरा नंबर लिखा हाँ, होगा जी, ये बिल्कुल बहुत बड़े अल्फाज में देखे ना लिखा हुआ है। सही सही, तो आपकी मतलब गाड़ी कहीं से भी पहचानी जाएगी? जी बिल्कुल, वो एयरपोर्ट देखेगा जी, अगर हमसे बात कर रहा है वो हमें डायरेक्शंस दे सकता है। तो स्पीड की जो आपने बात की है, स्पीड जो है वो रीजनेबल स्पीड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अपने आप को भी महफूज रखें, कम्युनिटी का भी महफूज रखें, और आप कॉल रिस्पॉन्ड भी करें जहाँ पे आपने पहुँचना है। क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसमें तो ये है ना कि जी बजाय आपके उनके हेल्प करने के, आप खुद खुदा न खास्ता अगर क्रैश हो जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट आपकी भी वही होगी, सारा इक्विपमेंट सेम होगा। इसमें कोई स्केल होता है, ग्रेड होते हैं आपके अफसरान के कोई, जैसे हमारे पास 17 ग्रेड, 18 ग्रेड? नहीं, यहाँ पे ग्रेड नहीं होता, ग्रेड नहीं होता, यहाँ पे रैंक्स होते हैं। रैंक्स क्या होता है? फिर सर्जेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन। कम से कम डिप्टी है जी। अच्छा, जो एक हम पुलिस कांस्टेबल जैसे हमारे पास है जी, पेट्रोल डिप्टी। हाँ, और उसके बाद? उसके बाद सर्जेंट आता है, फिर कॉर्पोरल आता है, कॉर्पोरल के बाद सर्जेंट, सर्जेंट के बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन फिर असिस्टेंट चीफ, और And the boss is going to be the elected official, क्योंकि 4 साल की टर्म होती है, जैसे शेरिफ होते हैं वो 4 साल जो है उनकी टर्म होती है, फिर वो इलेक्शन जो है वो विन करके आते हैं। सेम थिंग विद द कांस्टेबल। तो कोई भी शहरी आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है, राइट? है ना, कहीं भी आके आपसे पूछे, कह भी सकता है, कैसे भी बात। और आपसे आके आपने गाड़ी क्यों खड़ी की इधर, गलत का पार्किंग, मतलब पुलिस के साथ भी ये प्रॉब्लम जो है ना ये हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस आवाम के सामने जवाबदार नहीं है, यहाँ जवाबदार होती है ना, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल, हर किसी को जवाब कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ जी, नहीं वो तो होता है ना, लेकिन नॉट से नो, हां कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज यू सी द लाइट्स, जस्ट फाइंड आउट अ सेफ स्पॉट। आप देखें सेफ स्पॉट पे पार्क करें गाड़ी को, उसके बाद ये है कि कोई फर्टिव मूवमेंट नहीं करनी आपने, यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, ऑफिसर का इंतजार करें, वो खुद ही आएगा आपके पास, जस्ट रोल डाउन योर विंडोज and he's gonna ask for your ID or whatever. उससे cooperate करें बस। तो पुलिस भी अच्छी है, तो लोग भी अच्छे हैं, और यहाँ का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारे पाकिस्तानी लोगों पे हमें फ़ख्र है जो यहाँ हैं, जितने भी हैं पूरे अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से आए हैं, कोई सिफारिश पे कोई नहीं आए। तो बहुत शुक्रिया तारिक भाई, और सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इस तरह कम्युनिटी की खिदमत करते रहें ज़िंदगी जब तक है। और ये देखें अभी ये दो बंदे खड़े हैं, हज़ारों लोग अंदर खुद को सेफ फील कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वरना हमारे पास तो पूरी बाहर कंटेनर लगाने पड़ते हैं, फिर शाहराहें बंद होनी पड़ती हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक घर है इधर, कुछ पता नहीं कौन रह रहे हैं इधर, कौन है। और प्रॉपर तरीके से दो अफसर आए हैं, और दोनों की जिम्मेदारी है हज़ारों लोगों का तहफ़ करना।
ये बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। देख लिया किस तरह से यहाँ की पुलिस काम करती है, किस तरह से अच्छा रवैया जो है ना वो याद रहता है। ये हमारे पुलिस के अफसरानों को थोड़ा सा सोचना चाहिए जो कमीशन पास करके आते हैं, या फिर वो जो निचली सतह के पुलिस वाले हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनका आवाम से क्या रवैया है। और यहाँ की पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो है ही ये कि भाई आवाम की खिदमत करनी है, लोगों को तहफ़ देना है, कोई मजहबी तफरीक नहीं है कि तुम मुस्लिम हो वो क्रिश्चन है, कोई इस तरह का लफड़ा नहीं। हर बंदा यहाँ जो भी काम कर रहा है उसकी इज्जत और नफ्स जो है ना वो महफूज रहती है। तो बड़ा अच्छा लगा दोनों भाइयों से मुलाकात हो गई, और आपने इतनी डिटेल वीडियो मेरे ख्याल में पहले नहीं देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और फैज़ान मदीना की जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी जाके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच।